हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज से हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। एज प्रॉमिस्ड मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको बोला सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। आज मैं यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लेके आई हूँ, पेपर नंबर फोर का। मैंने आपको एक वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको डाला था, उसके अंदर बताया था कि जो सीरीज नंबर टू है, वो सीरीज नंबर टू का फर्स्ट से लेके टेंथ तक पूरे 10 पेपर अपन सॉल्व करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज नंबर टू। तो आज हम उसको सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स भी आएंगे, मैनेजमेंट भी आएगा, लॉ भी आएगा, अकाउंट्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। मैंने आपको बोला ना, आई मेंटेन माई प्रोमिसेस। सो गेट रेडी फॉर मॉक टेस्ट पेपर नंबर वन, सीरीज टू का फर्स्ट पेपर है ये, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, वो क्वेश्चन रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी और फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ ए बी सी डी टिक करना ही नहीं है हमने। सीरीज बेटा पूरी देखो, पूरे के पूरे हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट पेपर, मतलब आप समझ लो आपका कितना सारा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, कितना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, कितना सारा रिविजन हो जाएगा। तो ये जो आपकी सीरीज है, आप लेकिन सारे सब्जेक्ट देखना, बात सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं चल रही। आप इकोनॉमिक्स देखोगे, आप लॉ देखोगे, आप अकाउंट्स देखोगे, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ईच सब्जेक्ट के 10 पेपर्स हम लेके आ रहे हैं, तो आपकी कितनी सारी प्रैक्टिस हो रही हो, क्योंकि एग्जाम को अभी 5 सितंबर बस आ ही रहा है, हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं है। तो आप जितना बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो उतना अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर। मैंने 2:1 लिखा है, क्योंकि ध्यान रखो बेटा आपकी दो सीरीज है, सीरीज नंबर वन, सीरीज नंबर टू। सीरीज नंबर वन के अंदर 25 पेपर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कौन से वीडियो का सीरीज लेके आ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पेपर्स है, इसीलिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पेपर। सीरीज टू जो है FBMS, ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सीरीज नंबर टू का आज हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को सारे क्वेश्चन देख के स्किप मत करो। एक भी क्वेश्चन पता चला वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। सो डोंट स्किप एनी ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चन करो, सारे सब्जेक्ट करो, 500% पास हो जाओगे। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हैं ना, तो फायदे के ही होंगे, राइट? Everyone come to question number one. सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर वन पे। जानवी डिपॉजिटेड ₹2,400 टू अ बैंक। उसने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में सिंपल इंटरेस्ट। आप चैप्टर तो समझ गए होंगे ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर का सिंपलेस्ट चैप्टर है यार ये। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 3 years। इंटरेस्ट निकालना है। मैं एक आपको लेकर जाऊंगी पूरे फॉर्मूला से, दूसरा मैं आपको लेकर जाऊंगी सीधा कैलसी से, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बच्चे मेरा रेगुलर कर चुके हैं, तुमको पता है ना कि हमारे लिए ट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कितने ट्रिक्स सिखाए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये तो तुम्हारा 2 सेकेंड का भी नहीं यार, 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट? सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। ये तो आपको पता ही, आपका फॉर्मूला है, बराबर है क्या? P stands for the principal, R आपका rate of interest, T होता है time period। ये देखो जानवी जो है ना, उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया है, 2400। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो हम जाके डिपॉजिट करते हैं बैंक में। एट सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट है, 9% का, और टाइम पीरियड कितना है, 3 years। ये देखो यहाँ पे मेरे सर्कल के पीछे गया है वो, एक सेकेंड, ये देखो टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 3 years। तो फटाफट से सब्सटीट्यूट कर दे क्या हम, 2400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, टाइम पीरियड 3, डिवाइड बाय 100। फटाफट से आंसर निकालेंगे इसका, कितना आ रहा है आपका ये, 648। मेरे को एक बात बताओ, क्या सच में हमको पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या? वी कैन डायरेक्टली डू दैट ऑन कैलकुलेटर। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता, रेगुलर बच्चे वाले मेरे को पता है आपको ये सब 2 सेकंड में आ गया होगा, बट बाकियों को भी बताने दो यार, ऐसे नहीं होता है। क्या करोगे आप लोग, सीधा कैलकुलेटर हाथ में लोगे, 2400 कितना परसेंट है, डिवाइड बाई 100 वगैरह करना ही नहीं हमको, कितना परसेंट है, 9% है। तो 2400 × 9% करो, आपको कैलकुलेटर पे 216 दिखता होगा, वापस से इंटू 3 करो तो आपको आंसर आ जाएगा 648। हमको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है,
कोशिश करो, आपका मैथ्स का पेपर है, आपको इतना सॉल्विंग में टाइम पास करना ही नहीं है। मैथ्स का पेपर तो सॉल्विंग वाला ही होता है, होता है सॉल्विंग वाला, नो डाउट। सो ये कितना आ रहा है, 648, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आ रहा है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि सच्ची में ऐसे रहेंगे जिसको हमको सॉल्विंग ज़्यादा लगेगी, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्टली कैलकुलेटर पे। आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, ठीक है, 2400 हमको प्रिंसिपल दिख रहा है, 9% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2400 आपने लिया, इंटू 9% किया, इंटू 3 किया, तो आपका डायरेक्टली आंसर आता है यहाँ पे 648। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन, सब लोग आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। विच टर्म 128 ऑफ द प्रोग्रेशन 1 2 4 8, पहली बात तो प्रोग्रेशन है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कि ये एपी का क्वेश्चन है या जीपी का क्वेश्चन है। चैप्टर तो समझ गए हो आप लोग, तो हमको चेक करना पड़ेगा किसका है। कैसे चेक करते हैं, अगर कोई भी सीरीज एपी में होती है, अर्थमेटिक में होती है, तो उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड या माइनस होता है, राइट? और अगर जीपी में होती है तो क्या है, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। बात समझो बेटा, ये कॉन्सेप्ट तो इतना बेसिक तो आपको पता होगा, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। अगर क्वेश्चन एपी का होता है, किसका होता है, एपी का होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो या तो कोई नंबर ऐड होते जाता है या कोई नंबर माइनस होते जाता है, राइट? जैसे कि 2 4 6 8, 2 2 2 2 ऐड हो रहा है ना। अगर जीपी का होता है तो कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते जाता है या तो फिर डिवाइड होते जाता है, एग्जांपल 2 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो हमको हमारा क्वेश्चन में देखना है कि क्या हो रहा है, तो ये 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, यहाँ तक तो लग रहा है यार ये एपी भी हो सकता, प्लस 2 किया, 2 प्लस 2 4 किया, प्लस 4 प्लस 2 6 आना चाहिए था, तो ये एपी तो नहीं है। बात समझो, अगर एपी होता तो 1 1 प्लस, अभी यहाँ पे आगे क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो 1 प्लस 2 क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो एपी पहले ही प्रूव हो रहा है कि ये एपी नहीं है, तो ये क्या होगा, जीपी होगा। चेक करो ना, 1 into 2 2 हो रहा है, 2 into 2 4 हो रहा है, 4 into 2 8 हो रहा है। आपको ढूंढना है कि 128 जो है वो कौन सा टर्म है, विच टर्म, राइट? अब हम आएंगे थोड़ा सा जीपी के फॉर्मूला पे, फॉर्मूला से भी लेके जाती हूँ, चॉइस से भी जाएंगे, गो बाय चॉइस, माय फेवरेट, राइट? सो कम टू द फॉर्मूला फर्स्ट। टी एन स्टैंड्स फॉर जो भी आपको टर्म ढूंढना है, T5 T6 सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, जो भी टर्म ढूंढना है आपको, इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। मैंने ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी सिखाया था, पर बेटा वो रेगुलर बैच के लिए, ये अपन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रही हूँ। उसका रीजन सिंपल है कि अपने को आज अपने एग्जाम बहुत पास में, अपने को MTPs डिस्कस करने, राइट? इसीलिए हर एक क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में दूंगी, और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, पर आपका कॉन्सेप्ट कोई मिस नहीं होगा, राइट? सो ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, आर होता है आपका कॉमन रेशियो, और एन होता है जो आप टर्म ढूंढ रहे हो। अब आपको नहीं पता कौन सा टर्म आपको दिया है, टी एन का वैल्यू दे दिया है आपको 128, बराबर है क्या? अब आपको उसके आगे का आंसर ढूंढना है, राइट? कि वो कौन सा नंबर है, मतलब एन इज इक्वल्स टू वॉट, कि आपका आंसर इस साइड 128 आ जाएगा। तो ए क्या है, इज द फर्स्ट टर्म, आपकी सीरीज क्या थी, 1 2 4 और 8, राइट? आपकी सीरीज ये थी, तो ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या होता है, वो नंबर जिससे आपकी सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। कॉमन रेशियो कैसे ढूंढते हैं अपन, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिविजन लेंगे, तो 2/1 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, देखो ना इतना सिंपल है, 2 into 2 into 2, तो आपका कॉमन रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया है ना, 2। एन पता है क्या, वही तो नहीं पता ना मैम, तो इसको अपन क्या कर देंगे पता है, एन माइनस वन ऐसे ही रखेंगे, राइट? आगे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 128। अब ये 1 का तो कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आंसर आएगा। सो बेसिकली 128 इज इक्वल्स टू 2 raised to n minus 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, डायरेक्टली ऑप्शन से जाएंगे, ऐसा कौन सा नंबर हमने इंसर्ट किया तो अपने को आंसर 128 मिलेगा। सबसे पहले आप लेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, n इज इक्वल्स टू 8, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली,
एट टर्म है ऑप्शन ए के अंदर, तो यहाँ पे आके जरा सा सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 2^8 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2^7। कैसे निकालते 2^7 आता है ना, 2 प्रेस करो, एक बार इनटू प्रेस करेंगे और 6 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर पे सीधा आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मत करो बेटा, उतना टाइम नहीं यूज करने का, वेस्ट है वो टाइम, मैंने आपको सिखाया हुआ ही है। 2 एक बार इनटू प्रेस करेंगे, टोटल 7 जाना है ना, तो 6 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे, 7 चाहिए ना ऊपर, ये 1 टाइम प्रेस करो, तो 2 एक बार इनटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं टोटल 7 गिनती हूँ, आंसर आ गया ना 128, मतलब हमने 2^7 किया तो आंसर आ गया 128, तो n इज इक्वल टू 7 है क्या, ना एक गलती हो जाएगी, इधर ध्यान देना n माइनस 1 है, राइट, तो 8 - 1 = 7, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है ए, 8th टर्म दिख रहा है, मैं जूम इन करूँ, ये लो, राइट, अब आप इसको क्या करेंगे, लिख के लेंगे, लो ये लो, मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ एक बार, इसको अच्छे से लिख के लेंगे, आपको अगर कुछ और सवाल है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकता है उतना डिटेल में भी लेके जा रही हूँ, ताकि आपको इसके डाउट का सवाल ही ना उठे, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 3, लॉग देख के कुछ अलग सा डर उठ जाता है, राइट, आई नो, जो लॉग का डर है ना आपको, वो डर लगना ही नहीं चाहिए, अब हम उस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्यों नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है वो चैप्टर, पर कोई नहीं, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे, इफ log y टू द बेस x इज इक्वल टू 100 एंड log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, बहुत सिंपल सी मेरी ट्रिक होती है log की, मेरे को इतना पसंद है ना ट्रिक्स देना, आई वॉन्ट कि आप लोग इतने फटाफट आंसर लाओ, मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लॉन्ग कट से जाए, यू शुड बी सॉल्विंग एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, सो log, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, log 8, आपको पता है ना, इसको बोला जाता है मेन नंबर, इसको बोला जाता है बेस, सो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, अब मेरे को अगर log एलिमिनेट करना है, मैं log का छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ आपको, कम ट्रिक सिखा रही हूँ, अब मेरे को log को हटा देना है, तो क्या करेंगे पता है, ये जो नीचे है ना उसको धड़ाम से ऊपर लेके जाओ, जो नीचे था ना बेचारा उसको कहाँ लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, और ये जो धरती पे था उसको अब सर के ऊपर रखेंगे, आप सर के ऊपर रख दिया, और ये 8 एज इट इज, 8 को नहीं हिलाने का, डोंट रिमूव, 8 को हिलाओ मत, छेड़छाड़ी मत करो, जो बस नीचे उसको ऊपर लेके जाओ, जो ऊपर है वो और ऊपर चला जाएगा, राइट, सो 2^3 यानी कि 2 × 2 × 2 8 होता है क्या, हाँ 8 होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है लॉग का। अब यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है, आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं एक बार, log y टू द बेस x इज इक्वल्स टू 100 और दूसरा जहाँ पे वैल्यूज दिए, अपने को वैल्यू किसकी ढूंढनी है, y की ढूंढनी है, सो log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 10, अब हम इसको लिख देंगे, एक मिनट रुको बेटा, लिख रहे हैं उसको, ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ जाके उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, चलो करते हैं अपन सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, log को अगर हमको हटाना है जो तो नीचे दबा हुआ है ना उसको ऊपर लेके जाएंगे, x को नहीं छेड़ने का, x को छेड़ते थोड़ी है यार, x को हमने ऐसे ही रख दिया, अब जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाओ और जो ऊपर है उसको और ऊपर लेके जाओ, तो x का वैल्यू आया है 2^10, एक्सपैंड मत करो, क्यों एक्सपैंड मत करो बेटा, ऑप्शन अगर आपने देखे होंगे गौर से तो 2^2 में ही आंसर है, मतलब आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आगे अब हमको y की वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले आप x की जगह ये फिगर लिख दो, तो log y टू द बेस x, लेकिन x क्या हो गया अब तुम्हारा 2^10 इज इक्वल्स टू 100, फिर से आपको log को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जब भी log को एलिमिनेट करते मैंने क्या बोला, जो नीचे दबा हुआ है उसको ऊपर भेजेंगे हम, तो y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2^10, मैम यहाँ पे एक और अब 100 हो जाएगा, हाँ 100 हो जाएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे 100 क्या आ जाएगा,
100, तो क्या प्रॉब्लम है? इंडाइसिस हो चुका है ना, इंडाइसिस तो पता है। अब 100 और 10 क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 raised to 1000। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको पता है, पर लॉग देख के ऐसा डर लग गया होगा मैम क्या ही बोले, लॉग आया हम छोड़ ही देते। छोड़ने का नहीं है, लॉग का बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। लॉग के अगर और क्वेश्चन आए मैं आपको और ट्रिक्स बताऊंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, ओके। सो 2 raised to 1000 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, 2 raised to 1000 दिख रहा है ना, ओके। चलो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/4x² + 9x + c³ = 0 आर इक्वल, देन सी इज इक्वल टू। चैप्टर कौन सा है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है, जीपी का क्वेश्चन आ गया है, लॉग कम इंडाइसिस मिक्स था वो क्वेश्चन आ गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन सी इज इक्वल टू। एक बात समझो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल दिया है, याद है ना? इस पे भी हमारे पास एक ट्रिक या एक प्रॉपर्टी होती है, जब रूट्स इक्वल होते हैं, कब होता है ऐसे? जब ऐसा होता है तब वैसा होता है, राइट? तो रूट इक्वल होने की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट और रॉन्ग लिखा रही हूँ मैं, डोंट वरी, लिखेंगे अपन वो भी। आ जाओ इधर, एक बार क्वेश्चन लिख ले, 3/4। आप लोग भी लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, सिर्फ देखोगे सुनोगे, मैथ्स है ना, थ्योरी थोड़ी है कि लर्न करना है बैठ के, राइट? तो लिखते चलोगे तो आप लोग सोल्यूशन तो भी लिख लो एटलीस्ट, वो भी जितना आपको रिक्वायर्ड लगता है उतना। सो एक बार हम क्वेश्चन लिखेंगे, 3/4x² + 9x + c³ = 0। ये क्या है? आपका क्वेश्चन है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैम यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं है? नहीं बेटा, वेरिएबल का डिग्री देखते ना अपन। ऐसे क्या कर रहे हो? सी वेरिएबल थोड़ी है, सी कांस्टेंट है। हमको कैसे पता कांस्टेंट है? ये जो एक्स एक्स रिपीट हो रहा है ना, ये वेरिएबल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना इक्वेशन का, ax² + bx + c, राइट? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसके अंदर a, b, c ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब कोई नंबर होते हैं, इट कैन बी वन। और आपका जो x² बोलो ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। नाउ ax² + bx + c आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, वैसे ही आपका 3x² + 9x + c है। अब अगर रूट्स इक्वल है, मैम रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं सॉल्यूशंस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया हुआ है जितनी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? 2, राइट? सॉल्यूशन बोल लो या उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू या रूट्स। तो कितने रूट्स है अभी? इसके 2 होते हैं, और हमको बोल दिया है क्वेश्चन ने कि रूट्स क्या है, इसके अंदर इक्वल बोला है ना। अगर रूट्स इक्वल बोला है मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉपर्टी लगती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट? श्रीधर आचार्य वाला जो फॉर्मूला है, b² - 4ac = 0। मैम व्हाट इज बी, व्हाट इज ए, व्हाट इज सी? अभी तो बताया मैंने यहाँ पे, राइट? चलो करें सब्स्टिट्यूट। बी मतलब क्या होता है आपका? x के साथ कौन है इंडिविजुअल? x के साथ 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9² - 4। a क्या है? a ये है जो सबसे पहले है, 3/4, तो यहाँ लिख दो 4 × 3/4। c का क्या करें? c की जगह तो क्यूब है, टू सिंप्लीफाइड फर्दर अपन c क्यूब को पकड़ लेंगे k। इजी हो जाएगा ना सॉल्व करना, c का क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो, उससे अच्छा हमने क्या पकड़ लिया उसको यहाँ पे, k इज इक्वल टू 0। 0 क्यों किया बेटा? ये प्रॉपर्टी है, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं ना, तब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होता है। इसका डिटेल्ड लेक्चर रेगुलर में मिलेगा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपके जो रूट्स अगर इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो इसको आपको कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। ये 4 और 4 तो हमको कट होते हुए दिख रहा है, 9 का क्यूब कितना हो जाता है? 81। ये 3k को उधर भेज दो,
तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81/3 दैट इज 27। पर k सिर्फ k थोड़ी है, k के पीछे कोई छुपा है, कौन छुपा है, c का क्यूब। तो c का क्यूब इज इक्वल्स टू 27। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 आएगा, 3। तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 3। राइट, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको स्क्रीन पे सोल्यूशन दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर को हम जाके जरा सा टिक कर दें। सी का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, ये देखो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू बुक्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ 4 बुक्स। कितने बुक्स है बेटा आपके पास, 4 बुक है। इसमें से कितने बुक सिलेक्ट करने, 2 बुक्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम। सिलेक्शन करना है, कम को परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है यहाँ पे। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ बैग, राइट, ये बैग में से आपने एक बॉल निकाल दिया, अब आपने एक और बार बॉल निकालना है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाओ, इसके अंदर कितने बॉल्स है, 10 बॉल है। अब आपने क्या किया, यहाँ में से एक आपने बॉल निकाल दिया, अब एक बॉल निकाल दिया तो कितने बॉल बचे इसके अंदर, -1, 9 बॉल बचे। वापस से आपने एक बॉल निकाला, जब आप एक बॉल निकाल रहे हो तो आपने प्रीवियसली ये जो निकाला है ना, इसको अंदर नहीं डालना, इसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने जो निकाला आप उसको वापस से पुट नहीं करते, आपका जो टोटल है उसमें से एक 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 कम होते जाता है। वापस से एक बॉल निकाला तो अब अंदर बॉल कितने बचे, 8 बॉल्स बचे। और अगर क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट आता है, विद रिप्लेसमेंट आता है मतलब आप जो भी कमोडिटी, जो भी आप आइटम निकाल रहे हो उसको वापस रखते हो, फिर निकालते हो, फिर रखते हो, वही वो वाला सीन है, राइट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ 4 बुक्स, तो 4 में से कितनी बुक निकालनी है तुमने, 2 बुक निकालनी है। नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस आर, इससे सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ट्रस्ट में, इतना सिंपल क्वेश्चन है। टोटल बुक कितनी है, 4, 4 में से कितनी निकालनी है आपने, 1 निकालनी है, बराबर है, 2 बुक है ना आपके पास। फिर से अब आपने 4 बुक रखी थी, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, 1, 2, 3 और 4, 4 बुक रखी। लेट्स से आपने ये वाली बुक निकाल ली, नीचे वाली बुक निकाल ली, ठीक है, अब कितने बुक बचे आपके पास, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो जो बुक आपने निकाली वो आप वापस थोड़ी डालने वाले हो। अब कितने बुक बचे आपके पास, 3 बुक बचे, तो आपको 3 में से एक बुक निकालनी है। हाँ, मज़ा आ रहा है, एक और बुक निकाले, एक और बुक नहीं निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल 4 में से आपको कितनी निकालनी है, 2 ही निकालनी है, तो आपने 4C1 × 3C1 किया। 4C1 का वैल्यू, NC1 का वैल्यू क्या होता है, N होता है, तो 4C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, 3C1 का वैल्यू 3, तो 4 × 3 = 12, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट, बोला था मैंने इनिशियली ही इसका आंसर आएगा सी, 12। आपको स्क्रीनशॉट लेना है सॉल्यूशन का या पॉज करके लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, दिखा दिया मैंने स्क्रीन, अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है बेटा, 10 पॉइंट है, ऑफ विच 7 आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सेम प्लेन पे होते हैं वो, कोलिनियर पॉइंट्स, ये देखो ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, एक ही लाइन पे बिलोंग करते हैं, एक ही प्लेन पे बिलोंग करते हैं सब। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, टोटल कितने पॉइंट है, 10, पर उसमें से 7 तो कोलिनियर है, क्या फर्क पड़ता है कोलिनियर है, तो ये ऐसी लाइन बनाओ, ये ऐसी लाइन बनाओ, हो गई ना दो लाइन मिक्स, या तो तुम यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाओ, अलग अलग सेपरेट लाइन थोड़ी काउंट हो रही है वो, बराबर है क्या, हमको बताना है कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। कोलिनियर के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, नॉन रेगुलर बच्चों आप लोग सुन लो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो, NC2 दो क्यों ले रहे, क्योंकि दो पॉइंट मिला के, दो थेम्बे मिला के एक लाइन बनेंगे ना, इसलिए हमने दो लिया। सो NC2 माइनस MC2, M मतलब क्यों, ये कोलिनियर वाले, कोलिनियर वाले ना इसमें से माइनस कर देने का, क्योंकि वो अलग से कोई लाइन थोड़ी गिनी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, वो तो उसमें मिक्स हो जाती है ना, अलग से नहीं काउंट की जाती, और एक लास्ट में क्या करते हैं अपन, +1 ऐड करते हैं। तो कितने पॉइंट्स है, 10C2, कितने कोलिनियर है, 7C2 +1, ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे
10 फैक्टोरियल अपॉन आर, मतलब ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल है, राइट? तो आप क्या करोगे इसमें, 10 इंटू 9, मैं तो बोलती हूँ ये 8 फैक्टोरियल पे ही रोक दो, है ना, क्योंकि आगे नीचे ये 8 फैक्टोरियल कट होने वाला है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो नंबर को आप 1 तक मल्टीप्लाई करते हो ना। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, राइट? ओके, तो 10 इंटू 9 90 अपॉन 2 कितना आएगा ये आपका 45 माइनस 7C2, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, राइट? इसकी भी मैंने शॉर्टकट प्रैक्टिस कराई थी, रेगुलर वाले नॉन रेगुलर वाले सुनो, करना क्या होता है ना, नीचे जो नंबर है वहाँ तक लेके जाओ, नीचे क्या है 5 है, तो आप कहाँ तक लेके जाओगे, 7 इंटू 6, दो ही करो, बस दो ही करने का, क्यों, क्योंकि 5 के आगे का तो सब कट होने वाला है। आगे आप क्या लिखोगे, अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल लिखोगे, ये 2 वैसे ही रहेगा, फिर से 5 फैक्टोरियल, तो लिख के टाइम पास ही क्यों करना है ना, नीचे जितने नंबर होते दो वहाँ तक लेके जाने का, नीचे अगर 3 रहते, अगर 7C3 रहता तो आप क्या करते, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल करते, राइट? ये शॉर्टकट की थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, होते होते हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो। चलो 7 इंटू 6 कितना होता है ये, और अपॉन 2 कर लेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी 42 बाई 2 21, सो 25 माइनस 21 प्लस 1, तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 25, दिस इज द आंसर। स्क्रीन दिखा रही हूँ आपको, अगर लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो 25 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, द सेट बी इज इक्वल्स टू 1, 2, देन द सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी के अंदर जा चुके हैं ना, उसको हटा दो। अब ए के पास कौन है, 1, 2, 3, मैं इसको बोलती हूँ कि लॉयल गद्दार लोगों को हटा दो, मैं ऐसे सिखाती हूँ इसको, क्या बोलते हैं अपन, गद्दार लोगों को हटा दो, कौन गद्दार है, ए के पास था ना 1, 2, 3, अब ये 1, 2 किसके पास चले गए, बी के पास चले गए, गए ना, गद्दार हो गए ना, उनको हटा दो, कौन है लॉयल एलिमेंट, कौन है इसके अंदर, सिर्फ 3 है, लॉयल एलिमेंट कौन है, सिर्फ 3 है, तो आपका सेट में ए माइनस बी में क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, समझ रहे हो अभी इसको, राइट? एक और छोटू सा एग्जाम्पल ले लूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता हो तो समझ आएगा। ए के अंदर है 4, 5, 6, बी के अंदर कौन है 4 और 6, तो ये 4 गद्दार निकला ना, बी के पास चला गया, 6 भी गद्दार निकला, बी के पास चला गया, तो ए में से ऐसे एलिमेंट हटा दो, ए माइनस बी जो बी के पास जा चुके हैं हटा दो, लॉयल कौन बच रहा है, बस 5 बच रहा है, समझ रहे हो आंसर, वो एग्जाम्पल के लिए था, यहाँ पे आंसर इज 3, क्लियर? मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, हाँ ठीक है, इन्फेनाइट सेट है ये, एंड एम इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू 0 से लेके 9 तक है, साइमल्टेनियसली फ्रेम करते चले, एम का वैल्यू होगा 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एस इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इन्फिनिटी तक है वो, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स, आगे बढ़ेंगे, देन एम माइनस एस इंटरसेक्शन एम, सबसे पहले आपको क्या करना है, एस इंटरसेक्शन एम फाइंड आउट करना है, एस और एम में इंटरसेक्शन, तो एस तो प्राइम नंबर का सेट है, एम में कौन कौन प्राइम नंबर है वो निकालो, 2 प्राइम है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 2 प्राइम है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कोई और टेबल में नहीं आते, तो 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 × 2 = 4 होता है ना, 5 भी प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, तो इतने ही प्राइम नंबर्स है, तो एस और एम का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 और 7, राइट? अब आगे क्या करना है अपने को, इसको एम में से माइनस करना है, मतलब एम माइनस एस इंटरसेक्शन एम, एम में से ऐसे लोग जो एस इंटरसेक्शन एम में जा चुके हैं गद्दार लोगों को हटा दो, तो जो मैंने हाईलाइट किया उनको हटाना है, 0 गया क्या, नहीं मैम 0 लॉयल है तो रख लो, 1 लॉयल है, 2 चला गया, 3 चला गया मत रखो, 4 लॉयल है, 5 नहीं, 6, 8 और 9, तो 0, 1, 4, 6, 8, 9 ये आपका आंसर बनेगा, 0, 1, 4, 6, 8, 9 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लो
सोल्यूशन ये रहा इसका. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने प्रॉपर्टीज दी है. क्या प्रॉपर्टी दी है? सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाय ए. तो सी क्या है इधर? 1. ए क्या है जो एक्स के साथ अटैच्ड है? कुछ नहीं, यानी कि 1 हो गया. राइट, ए बी सी समझते हो ना. तो ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 1/1. सो द आंसर इज 1. पूरा सॉल्व देखो, तरीका है. कुछ बच्चों को अगर ये प्रॉपर्टी ये शॉर्टकट नहीं पता है, आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का पूरा फैक्टराइजेशन निकालोगे, दो नंबर निकालोगे विच विल बी माइनस 1 और माइनस 1, है ना. तो ये दो नंबर को आप लोग क्या करोगे, पूरा क्वाड्रेटिक वे में उसको सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू दिस और दिस निकालोगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करते बैठोगे. पागल हो के इतना सब कौन करेगा? सीधा शॉर्टकट लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालना है तो सी अपॉन ए करने का सीधा. राइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 10. फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है. प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. तो सी क्या है इधर? 2. ए क्या है? 3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c अपॉन a. सो दैट विल बी 2/3. तो 2/3 हमारा है ऑप्शन नंबर सी. आई नो दिस इज द बेस्ट ट्रिक, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है ये, मेरे को अच्छे से पता है. चले आगे, चलो, यू आर वेलकम इन एडवांस. आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, हेल्प हो रही है, फटाफट से सॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ें पता चल रही है. डू लाइक द वीडियो. बेटा मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ, हमने इतना सारा फ्री कंटेंट डाला है, हम और डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है ना, तो एक लाइक तो बनता है. यू शुड लाइक द वीडियो. पिछले वाले वीडियो पे मैंने आपको बोला था अगर आप खुश हो तो लाइक करो, एंड ट्रस्ट में इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स थे उस पे, डीएम भी था, मैं समझ गई कि आप कितने खुश हो. तो अगर अभी हम एमटीपीस जो लेके आ रहे हैं, आप चाहते हैं हम ये लेके आते रहे, तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट तो ज़रूर करो. प्लस डू शेयर द वीडियो, आपको फ़ायदा हो रहा है दूसरों को भी फ़ायदा कराओ. राइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 11. फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मैं आपको बताती हूँ, एक मिस्टेक होगी इसके अंदर, कुछ तो एरर है. आपको मैं समझाती हूँ क्यों. फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, आपको ए और बी निकालना है. ए और बी क्या होता है पता है आपको? ए और बी, ये नो, ए यूनियन बी होता है वो. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपका. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, ये देखो स्ट्रेट फॉर्मूला से लेके जाती हूँ, दोनों का एडिशन होता है. मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो सकता. कोई इंटरसेक्शन या तो दिन होगा या तो रात होगी, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं है. राइट, तो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होता है उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. उसका इंटरसेक्शन होता है 0. आपका जनरल यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट, अगर देखो मेरे को फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इवेंट्स है तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. बराबर है क्या? अब उसका इंटरसेक्शन 0 है तो यूनियन का आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए और बी को ऐड करेंगे, 0.4 प्लस 0.3 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0.4 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.7. राइट, ये इसका आंसर आना चाहिए. पर आपके जो मॉडल आंसर, मतलब जो दिया है करेक्ट ऑप्शंस, उसके अंदर इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है 0.58. आइडियली आंसर क्या आना चाहिए? 0.7. अगर आप क्वेश्चन नंबर 13, 12 स्किप नहीं कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, यहाँ पे सही आंसर टिक किया है 0.7 का. फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी, ए का प्रोबेबिलिटी है, बी का प्रोबेबिलिटी है. ए और बी कैसे निकाला है? 0.7 जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो वैसे ही निकाला है. 11th क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कोई तो मिस्टेक है, कोई तो फॉल्ट है, क्योंकि 11th क्वेश्चन इज सेम एज
13th क्वेश्चन में उसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, दैट इज 0.7. अगर कोई भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन होता है 0. चलेंगे हम आगे. 11th क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, सेम एज 13th है. नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 12. What sum of money will yield 4221 as interest in 1.5 years at 14% simple interest? What sum of money? यहाँ पे पता है क्या missing है? Principal missing है. सीधा calculator पे कर ले क्या? Option से पकड़ो. Let's say आपका principal ये है, ऐसे assume करो. तो आप क्या करोगे? Calculator पे 20,100 P into 1.5 years इंटू 14%. डू इट ऑन योर कैलकुलेटर और चेक करो ना आंसर 4221 आ रहा है क्या. 20,100 इंटू 1.5 इंटू 14% 4221 आ रहा है, तो यही आपने करेक्ट आंसर है. लिखना ही क्यों है, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है. लिखने जाओगे तो पता है कितना बड़ा हो जाएगा. P आपका मिसिंग है, R कितना है आपका यहाँ पे 14, ये 1.5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4221. फिर ये सब को सॉल्व करो, ये सब करने की हमको ज़रूरत नहीं है. अगर ए ऑप्शन से नहीं होता तो बी के पास जाते, सी के पास जाते, कहीं ना कहीं तो आंसर हमको मिल जाता. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर सॉल्व करके दिखाया. 11 जैसा सेम था, उसका आंसर है 0.7. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. फॉर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है पता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. ये उसका डेफिनेशन ही होता है. श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, मतलब वो पक्के से होने ही वाला है, उस टाइप का इवेंट है. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. नाउ 15 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है ये. इसके अंदर हमको दिमाग लगाना है और टाइम भी इन्वेस्ट करना है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. अ डाइस टॉस्ड अंटिल वन कम्स. एक डाइस है ना, एक डाइस वो आप फेंक रहे हो. कब तक फेंक रहे हो? जब तक वन नहीं आता, ठीक है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स इन एन इवन नंबर ऑफ ट्रायल इज. इवन नंबर ऑफ ट्रायल मतलब आपने एक बार फेंका, दो बार फेंका, तो दूसरा वाला इवन नंबर हुआ ना. आप डाइस फेंक रहे हो बेटा, आपने पहली बार आपका डाइस फेंका, फर्स्ट टाइम. फिर क्या किया आपने? सेकेंड टाइम डाइस फेंका. फिर आपने क्या किया? थर्ड टाइम डायस फेंका. तो अपने को ऐसे इवन नंबर्स में अपन ने जब जब फेंका, इवन टाइम्स में जब जब फेंका और डायस पे क्या आना चाहिए? वन. उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो कैसे सॉल्व करना है, लिखते चलेंगे. ये क्वेश्चन तो आपने पक्का लिखना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, क्योंकि एक ही बार आ सकता है. टोटल कितनी है इसकी? 6 है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज 1/6. तो वो ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वन आने की नहीं, जो नई चांसेस होते हैं, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 1 - 1/6 विच विल बी इक्वल टू 5/6, राइट. ओके, ना हमको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि वन आना चाहिए, वो भी इवेंट ट्रायल्स में. यही आपको चाहिए ना, बराबर है. मतलब या तो सेकेंड टाइम फेंकने पे आना चाहिए, या तो फोर्थ टाइम फेंकने पे आना चाहिए, या तो सिक्स टाइम फेंकने पे आना चाहिए, या तो एट्थ टाइम फेंकने पे आना चाहिए, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. दो चीज़ें हैं ये. इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी है और इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है. समझ रहे हो? 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 8, राइट. ये आपका केस है, ठीक है. अब अगर सेकेंड टाइम में आंसर आना चाहिए आपका, तो क्या करोगे आप? 5/6 × 1/6, ठीक है. अभी प्लस फोर्थ टाइम पे आना चाहिए, फोर्थ टाइम पे आना चाहिए, मतलब तीन बार तो नहीं आएगा ना. तो 5/6 raised to 3, यहाँ पे देखो raised to 1 है. सेकेंड टाइम में आना चाहिए ना, तो जब आपने पहली बार फेंका नहीं आया, फिर आपने जब दूसरी बार फेंका आ गया. अब दूसरी और एक चांस क्या है कि आप तीन बार फेंक रहे हो तो नहीं आ रहा है, तो ये तीन बार नहीं आने की मैंने प्रोबेबिलिटी ली. और जब फोर्थ टाइम फेंक रहे हो ना, तब आ रहा है. करेक्ट है क्या? ओके. ये मैंने आप किसके लिए लिया? फोर्थ वाले के लिए लिया. प्लस अब सिक्स्थ के लिए अगर मेरे को लेना है तो क्या करेंगे? पाँच बार में आंसर नहीं आएगा ना. पाँच बार फेंका 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 डाइस, पाँच बार फेंका, आया ही नहीं वन. लास्ट टाइम में यानी सिक्स्थ टाइम पे आया,
तो ऐसा तो कब तक चलेगा? आप टू के लिए कर रहे हो, फोर के लिए कर रहे हो, सिक्स के लिए कर रहे हो। देखो टू के लिए जब मैंने किया वन वन को ऐड किया, जब फोर के लिए किया तो थ्री टाइम्स नहीं आना चाहिए, वन टाइम्स आना चाहिए। सिक्स के लिए किया तो फाइव टाइम्स नहीं आना चाहिए, वन टाइम आना चाहिए। एट टाइम इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है ना आपकी। तो यहाँ पे आप कॉमन लोगे वन बाय सिक्स को, मैं आपको जीपी फॉर्म करके दे रही हूँ। तो आपकी जीपी क्या हो जाएगी पता है? फाइव बाय सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स का क्यूब प्लस फाइव बाय सिक्स रेज टू फाइव, और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का आपको फॉर्मूला पता है एसएन का, बताती हूँ। तो आपके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये फाइव बाय सिक्स। आपके लिए आर क्या हो जाएगा? फाइव बाय सिक्स का क्यूब अपॉन एक बार फाइव बाय सिक्स। तो क्या बचेगा आपके लिए? आर फाइव बाय सिक्स का स्क्वायर। तो अब आपके पास ए भी है, अब आपके पास आर भी है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? Tn is equals to a, Tn नहीं सॉरी, अब हमको Sn निकालना है ना। तो a1 minus r, ये आपका Sn का फॉर्मूला। वही पूछा ना हमको कितने टाइम्स में ऐसा हुआ, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो a कितना है तुम्हारा? और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो 1 by 6 है ना उसको वैसे के वैसे ही रखो। GP तो यहाँ से चालू हो रही है, वो 1 by 6 को हम छेड़ेंगे नहीं, तो उसको अपने को वैसे के वैसे रखना है। a कितना है आपका? 5 by 6 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 5 बाय 6 का स्क्वायर। अब इसकी सॉल्विंग है। आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने ये 1 बाय 6 को ऐसे ही रखा। ये 5 बाय 6 हो गया, ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाय 6 वापस वैसे का वैसा। अब ये 36 उधर चला जाएगा, तो 36 माइनस 25 अपॉन 36। और थोड़ा फर्दर सॉल्व करो इसको, 1 by 6 into 5 by 6 upon 36 minus 25 upon 36, तो ये कितना हो जाएगा? 11 upon 36। तो ये 1 by 6 को मैं वैसे ही रख रही हूँ, ये 5 by 6 को भी वैसे ही रख रही हूँ, और ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब ऊपर आता है। तो ये 6 और ये 6 36 हुआ, तो आपका आंसर क्या आ गया? 5 by 11। This was a huge sum. ये पहला सम था जो सच्ची में मैं बोल सकती हूँ उसमें बहुत दिमाग लगाना था, बहुत कॉन्सेप्ट लगाने थे। देखो आपका जो पेपर होता है उसमें से दो तीन क्वेश्चंस तो थोड़े ऐसे रहेंगे जो आपको तकलीफ देंगे, कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, राइट? इसका सोल्यूशन आप ज़रूर लिख के लें। आप इसका सोल्यूशन कहीं भी ढूंढो बेटा, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ। ये आप इसलिए मैं बोल रही हूँ लिख के लो और समझ के लो। ये लो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सोल्यूशन भी। लो अभी दिख रहा है आपको, ग्रेट। चले आगे, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे अभी हम सब लोग। अच्छा, इसका 5 बाई 11 को टिक कर देते, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं बोलूँ पूरे 50 क्वेश्चन में दो या तीन ही क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज 1 by 8। अब समझेंगे इसको, मैं इसको अलग से अच्छे से सॉल्व करती हूँ। डेटा एक बार लिख लेंगे सब लोग, अपने नोटबुक्स ले लो। ये वाला सम भी वो सम में से 50 जो आपके क्वेश्चन है ना, उसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे है जितने भी अब आपको मैं बताऊँ क्या, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो जो थोड़े से आपको तंग करेंगे सॉल्व करने में। सो इधर आएंगे अपन, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? ये देखो, यानी कि दोनों इवेंट्स होने वाले। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज 1 by 8। इंडिपेंडेंट इवेंट का होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशन है उसकी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन हो गई। अब बोथ ऑफ देम अकर यानी कि कितना आंसर है इसका? 1 by 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 by 8, राइट? आगे चलेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर, दोनों भी नहीं हो रहा है, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, तो अपन इसको ए इंटरसेक्शन बी दोनों का डैश कर लेते हैं, तो वो कितना आ रहा है? 3 by 8 आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन ने बोला है, चलेगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, आपको क्या निकालना है इसके अंदर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो एक बात बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, ए यूनियन बी निकालना है तो 1 माइनस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हटा लो, ठीक है, पक्का, ओके, अच्छा ये जो है ना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ ये ऐसे लिखनी थी मैंने यूनियन में, राइट। अब जो इवेंट नहीं हो रहा है इसको इंटरसेक्शन ऐसे लिखा है, ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी का डैश, राइट, तो मैंने यहाँ पे ए यूनियन बी को सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 - 3/8, तो 8 - 1 - 3 हो जाएगा आपका 5/8। ये क्या आया है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक बार छोटा सा रिवाइज कराती हूँ, अपने को इंटरसेक्शन दिया था, उनके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बोली थी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये सेम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश से, राइट, ये वाला जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो मैंने उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 5/8 हो गया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करो ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है आपका फॉर्मूला, हाँ मैम होता तो यही है हमारा फॉर्मूला, ठीक है आगे बढ़ेंगे अभी इसके साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी है ना 1/8, ये 1/8 को यहाँ ले आओ जरा, तो 5/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, ये 6/8 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैं ए और बी को एक्स और वाई पकड़ लेती क्योंकि आगे जाके ना एक इक्वेशन बनने वाली है, इसीलिए आई नो थोड़ा सा क्वेश्चन वियर्ड है पर करना तो पड़ेगा अपने को, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/8, ऐसा हो गया मेरी इक्वेशन, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वाई कर लिया, ओके, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका 1/8, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, सिर्फ x का वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, 1/8 को वैसे ही रखोगे और ये y को यहाँ पे आके डिवाइड कर लोगे, तो मैं यहाँ पे 1/8y लिख सकती हूँ x के जगह पे, ये बात समझ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ जाके अपने को उसको सब्सटीट्यूट करना है, चलो सब्सटीट्यूट कर लो, ये x की जगह पे आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, 1/8y प्लस y इज इक्वल्स टू 6/8। अब ये डिनोमिनेटर वाला फॉर्म अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको 8y से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे भी मैं 8y से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो कट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये y को भी मैं 8y से क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो क्या हो जाएगा, वो 8y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6/8 को भी अपन 8y से करेंगे तो 8 और 8 तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 6y बचेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाए जरा, तो 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं दो जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा और जिनका एडिशन माइनस 6 आएगा, तो माइनस 4 और माइनस 2, तो 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4y मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 1, माइनस 1 इधर लिया क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4y माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 1, अब इनको इक्वेट करो 0 से, तो y इज इक्वल्स टू 1/4 और y इज इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट है, तो एक की प्रोबेबिलिटी, अगर y इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया तो क्या, और y इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया तो क्या, तो एक की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है आपकी 1/4 आ रही है, दूसरे की क्या आने वाली है, फिर x प्लस y इज इक्वल्स टू 6/8 है, तो y की वैल्यू जरा सब्सटीट्यूट करेंगे अपन, 1/4 इज इक्वल्स टू 6/8, तो 6/8 माइनस 1/4 तो नहीं हो सकता, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस
टू अपॉन एट, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर एक का वैल्यू 1 बाय 2 है तो दूसरे का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 बाय 4। तो बस मैंने सॉल्व करके दिखाया, दिख गया आपको ये 1 बाय 4। 1 बाय 2 ऑप्शन में ही नहीं है ना, मैंने आपको क्या बोला है, देखो दो चीज़ें हैं, एक का वैल्यू 1 बाय 4 है तो दूसरे का वैल्यू कितना आएगा 1 बाय 2 आएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन में होते तो प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे सीधा सीधा 1 बाय 4 अपने को दिया हुआ है तो हम इसको टिक कर देंगे, आगे अपने को सॉल्व ही नहीं करना था। ये जो पार्ट है ना, ये मैं आपको प्रूफ करा रही थी, ये वाला पार्ट वॉज अ प्रूविंग पार्ट, नी नॉट टू डू। यहाँ पे आपका सोल्यूशन खत्म होता है, मैं आपको एक बार सोल्यूशन दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये रहो, स्टार्टिंग से एक बार स्क्रीन दिखा रही हूँ, जस्ट चेक वंस अगर कुछ मिस आउट हुआ हो, कुछ लिखना है तो। डन, ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन खत्म हो गए, यही हमारे ऐसे थोड़े ट्रबलसम क्वेश्चन थे, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये आपका जो सम है, ये आपका चैप्टर है, कोरिलेशन रिग्रेशन में से आ रहा है ये आपका सम। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर इज द डैश ऑफ टू रिग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन ना, देखो रूट होता है ना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है ये, तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनालिसिस इज द साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की अगर हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपन साथ में पढ़ाई कर रहे हैं ना, साथ में एनालिसिस कर रहे हैं, यूनिवेरिएट नहीं, एक ही होता है, मल्टीवेरिएट बहुत सारे वेरिएबल, बाई वेरिएट का मतलब होता है दो, बाय मतलब दो, सो योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसने दिया था, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन दिया हुआ था कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन रिग्रेशन, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन वॉज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। आगे क्वेश्चन नंबर 20, द रिग्रेशन लाइन 5x + 2y = 16 एंड 9x + 10y = 48 इंटरसेक्ट एट, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, पर अपने पास ऑप्शंस है ना, हम क्यों साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सबसे पहले ए ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते, एक्स के जगह पे 0, 2 के जगह, वाई के जगह पे 8, तो हो रहा है क्या, 5 × 0 = 8 + 2 = 16, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, अब इसको भी सेटिस्फाई करो, 9 × 0 = 10 × 8, बताओ इज इक्वल्स टू 48 आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 10 × 8 तो 80 होता है, यहाँ पे आंसर 48 आ रहा है, तो ए ऑप्शन स्क्रैप। अब आएंगे हम बी ऑप्शन पे, बी सब्स्टिट्यूट करो, 5 × 2 + 2 × 3, 5 × 2 = 10 बराबर है 3 × 2 = 6, 10 + 6 = 16, इधर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 × 2 + 10 × 3, 30 × 8 = 18, 48, तो आपको बी ऑप्शन पे करेक्ट मिल रहा है 48। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, ये देखो ऑप्शन से जाओगे ना, ये वाला जो 28 था ऑप्शन से जाओगे तो सिंपल है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा तो भी आंसर आएगा, पर हमको टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स, बी वाई एक्स मतलब ये कौन से इक्वेशन का होता है, ऑफ इक्वेशन वाई ऑन एक्स का होता है, वाई ऑन एक्स आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, तो वाई ऑन एक्स में जो भी एक्स के साथ अटैच्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, बी वाई एक्स होता है, ये प्रॉपर्टीज है, शॉर्टकट बोल लो, वाई ऑन एक्स ये आपकी इक्वेशन है, एक्स के साथ कौन अटैच्ड है, यहाँ पे 1 अटैच्ड है, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, बी वाई एक्स मिल जाएगा, अगर बी एक्स वाई पूछा होता, बी एक्स वाई पूछा होता तो वाई के साथ जो अटैच है वो देखो आपको बताऊ, क्वेश्चन नंबर 21 ये देखो, आपको मैं एक बार लिख के बता दू, बी वाई एक्स तो ये कुछ नहीं, एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन होती है, राइट, बी एक्स वाई अगर मैं रखू तो ये वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन होती है,
तो अभी आपकी जो इक्वेशन है ये रही वो, आपको क्या ढूंढना है, बी वाई एक्स ढूंढना है, बराबर है क्या? तो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ऐसे रीड करो ना, लाइन से रीड करो। तो ये आपकी हो जाती है वाई ऑन एक्स, ये हो जाती है एक्स ऑन वाई। तो y on x की इक्वेशन में x के साथ जो अटैच्ड है ना वो आपका by हो जाता है, यानी कि अभी वो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर 1। ओके, अपना स्टैटिस्टिक स्टार्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कोरिलेशन पे दो क्वेश्चन हो गए। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द अरिथमेटिक मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बेटा am पे क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या आ सकता है, am का तीन टाइप की सीरीज होती है ना हमारे पास, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक अनग्रुप सीरीज और एक ग्रुप सीरीज। तो ये अनग्रुप सीरीज है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बार सारे एक्साई लिख लो, कितने एक्साई तुम्हारे, 3000, 2000, 3000, 2000, 6000 और 7000, 6000, 4000 और 7000, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दी है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी है, देखो जरा पे, 5, 5, 4, 6, 5, तो 5, 5, 4, 6, 5, इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, आप एम प्लस वाला बटन भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखो 3000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, 15000, 15000, जीटी यूज कर लेना, 2000 इंटू 5 कितना है यहाँ पे, 10,000, 6,000 into 4 कितना है यहाँ पे, 24,000, 4,000 into 6 कितना है ये वापस से, 24,000, 7,000 into 5 कितना है यहाँ पे, 35,000। अगर ये सारा कैलकुलेटर पे किया, बीच में कोई ऑन एसी का बटन नहीं दबाया, तो सीधा जीटी का बटन दबाओ, तो आपको टोटल मिल जाएगा, बराबर है, मिल गया टोटल यहाँ पे आपको 1,08,000 का। ओके, क्या फॉर्मूला बनता है हमारा अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड सीरीज का, एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, यानी कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करो अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इसका भी टोटल ले लो, 5, 5, 10, 15 और ये 25, तो 1,08,000 अपॉन 25 आ गया आंसर। सीधा कैलकुलेटर पे होता है बेसिकली ये क्वेश्चन, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4320 ऑप्शन नंबर बी, 4320, 22 हो गया। अब आएंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये आखिरी क्वेश्चन है मैं बोल सकती हूँ जो थोड़ा सा बड़ा है, पर सिंपल है यार, वेरिएशन पे, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, याद है ना वो वाला, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एंड बी वेरी डायरेक्टली एंड इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ए वेरीज डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए वेरीज डायरेक्टली, तो ए वेरीज डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखते ना अपन, ये आपका वेरिएशन का साइन है, ठीक है। आगे बी वेरी इनवर्सली, देखो ना डायरेक्टली और इनवर्सली बोला रिस्पेक्टिवली, तो बी वेरी इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1/x। चलो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अगर मेरे को फर्दर सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, मैं a इज इक्वल टू एक छोटा a ले लेती हूँ, कॉन्स्टेंट के जगह पे kx लिखो, ax लिखो, ना डजेंट मैटर, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, बड़ा a इज इक्वल टू छोटा ax, b वेरीज इनवर्सली, तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, b इज इक्वल टू छोटा b अपॉन x, राइट right, यहाँ तक समझ गया, समझ गया। अब हमको आगे क्या बोला है पता है क्या, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बोला है, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, यहाँ तक सिंपल, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे करने का। नाउ x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 11, x का वैल्यू 1 है, कब 1 है, जब y का वैल्यू 11 है। अब यहाँ पे अपने को सब्सटीट्यूट करते हुए जाना है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 11 है, y के जगह मैंने 11 डाल दिया, x के जगह हमने क्या डाल दिया है, 1, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, 11 एक सेकेंड ना, 11 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आपकी
एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहली वाली। आगे हमको बोला है यहाँ पे When x is 2 ना, y is 13, x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 है, लिख देंगे वो भी when x is equals to 2, y is equals to 13, वापस से सब्सटीट्यूट करो, 13 is equals to a वैसा का वैसा, x क्या है तुम्हारा 2, b upon x क्या है 2, अब ये 2 को उधर लेके जाओ ना, मल्टीप्लाई विद द होल इक्वेशन, इक्वेशन क्या बन जाएंगी 13 into 2 26, 2 into 2 4a plus b, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप गौर से देखेंगे, पहली इक्वेशन है 11 is equals to a plus b, दूसरी इक्वेशन है 26 is equals to 4a plus b, अब कुछ नहीं, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसके अंदर वेरिएशन भी है, थोड़ा सा इक्वेशन भी है, बट सिंपल है, ठीक है। ये वाला सम सच ही डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं था, लेंदी है, मैं समझ सकती हूँ, तो बेटा बाकी के थ्योरी क्वेश्चंस है ना कवर अप करने के लिए, राइट, वो तो मैं आपको बताऊंगी, पेपर कैसे सॉल्व करना है उस पर हम अलग से सेशन लेंगे, नॉट टुडे। सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हो, 26 is equals to 4a plus b, और दूसरा क्या है आपका k, ऐसे लिख दूं मैं, इजी होगा, a plus b is equals to 11, minus 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 4a minus a will give you 3a, b b cut, 26 minus 1 will give you 26 minus 11 will give you 15, मेरी ये हो गई इधर 1 पकड़ी थी मैं, 15, ठीक है 15 आ गया है, therefore a का value क्या आ गया 15/3, a का value अगर 5 आ गया है तो आप इसको क्या, आपको चाहिए क्या था question में देखा आपने, मैं बताती हूँ आपको क्या चाहिए था, पहले b का वैल्यू निकाल लो फिर बताती हूँ, तो a प्लस 5 प्लस b इज इक्वल्स टू 11, देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया 6, अब आपके पास a का भी वैल्यू, आपके पास b का भी वैल्यू, आप आगे पढ़ो जरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू कितना है, अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, हमको आगे बोल दिया है कि x का वैल्यू 3 है, तो आगे क्या आंसर आएगा, इतना सा सवाल है, नाउ इट इज रियली सिंपल। सो क्या बोला आपने को, y इज इक्वल टू a प्लस b था, 5x प्लस, ये देखो ax प्लस b अपॉन x था ना, तो a के जगह मैंने 5 का वैल्यू डाल दिया, x अभी हम डाल देंगे, b के जगह मैंने 6 का वैल्यू डाल दिया, x हम डाल देंगे, अपने को ढूंढना y का ही वैल्यू है, When x का वैल्यू इज 3, तो 5 into 3, 6 upon 3, 3 2 6, 5 3 15 प्लस 2 17, एंड वी आर डन ओवर हियर। गिन के 3 क्वेश्चन है यार जो आपको सॉल्व करने हैं, बाकी के सब पूरे मार्क्स तो फ्री के है ना, फ्री के एज इन इजिली आ रहे हैं ना, लो देख लो यहाँ पे स्क्रीन दिखा रही हूँ, कुछ अगर मिस हुआ है तो कॉपी वगैरह कर लेना, राइट चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू, ये भी अनग्रुप्ड आया, मीडियन वैल्यू तो मोस्ट सिंपल है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, एक्स दिया है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, क्या करेंगे हम लोग ऐसे सिचुएशन में, एक्स बनाएंगे, एफ बनाएंगे और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो आपका एक्स क्या क्या है, 4.5 5 5.5 से लेके ऐसे 8 तक जा रहा है, तो 4.5 5 5.5 6, मीडियन निकालना है ना, कहीं बीच में ही वैल्यू आएगा 6.5, और मैं 7 तक ही जाती हूँ, पूरा जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है चलिए काम करो, 7.5 और 8, कन्फ्यूजन मत रखो। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 3 14 28, 4 3 14 28 23 35 8 10, 23 35 8 और 10, वो क्वेश्चन में जो 10 है ना, ये देखो ये जो 10 है ना ये नीचे आ गया है, वो आगे का था, ठीक है होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 4 प्लस 3, फटाफट से कैलकुलेटर ले लेंगे आप लोग, एक सेकेंड, 4 प्लस 3 7 7 और 14, 21 21 28, फटाफट से कैलकुलेटर ले लो, 49 49, 23 वुड बी 72 प्लस 35 10567 107 प्लस 8 1115 प्लस 10 125। अब मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग,
एन इज इक्वल्स टू कितना आया 125. तो मीडियन का वैल्यू कैसे करेंगे अपन, एन प्लस 1/2. सो 125 प्लस 1/2 126/2 कितना हो जाएगा ये 63rd किधर आ रहा है 63 49 के बाद 72 के पहले, तो किधर आएगा वो इसके अंदर आएगा. ऐसे ही ढूंढते ना मीडियन अपन. 63 के लिए नियरेस्ट वैल्यू क्या है 72, तो मिडिल वैल्यू क्या आ गया आप लोगों के लिए 6.5. सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. चले आगे अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे अपन. द मोड ऑफ द सीरीज, मोड क्या होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरेंगे. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरेंगे कितने, देखो दो एक ही बार दिख रहा है, दो बार है, ठीक है हाईलाइट करते जाती हूँ, दो बार है यहाँ पे, फाइव एक ही बार है शायद, ठीक है सेवन, 1 2 3 देख के समझ रहे हैं, 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है मोड 7. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26. फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है पता है आपको, याद है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन होता है, मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन होता है. इसके अंदर स्क्यूनेस ही नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है कि डेटा एकदम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ए एम इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, तो डेटा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे स्क्यूनेस क्या आ जाएगा 0. ऑप्शन नंबर ए 26 का इज 0. ऑप्शन ए टिक करेंगे यहाँ पे 0. आगे चलो क्वेश्चन नंबर 27. द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू ऑब्जर्वेशन इज, इसका डेफिनेशन नहीं है, हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस. उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते और उसका क्या करते हाफ करते, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के डेफिनेशन में आता है. 27th का बी इज द करेक्ट आंसर. चलो आगे 28. इफ ए एम एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स आर 6 and 50%, यानी कि ए एम कितना हो गया है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो गया, दोनों डेटा अपने को यहाँ पे दिए हैं. चलो यहाँ पे साइड में सॉल्व करती हूँ मैं. अपने को निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स. अब हमको ए एम दिया है यानी क्या दिया है एक्स बार इज इक्वल्स टू 6. आगे एक और दिया है अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितना परसेंट बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50%. ये देखो यहाँ पे 50% सीवी, तो सीवी लिख देंगे अपन लोग आगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50%. आगे आएंगे हमको क्या निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हमको लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिल गया तो हम उसको स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा वेरिएंस मिल जाएगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स का बार, ठीक है. आगे चलो सीवी कितना है, सीवी हमारे पास 50%. स्टैंडर्ड डेविएशन हमको नहीं पता, एक्स बार कितना है 6, तो 6 का आप क्या करोगे 50% ले लोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा. अब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस क्या होता है उसी का स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस वुड बी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 3 का स्क्वायर ले लो. आई नो फिगर्स थोड़े इधर हिले हुए दिख रहे, ये सब लिख लो, आगे कहीं और करती हूँ. तो वेरिएंस कितना आ गया 9, दिस इज द सम, ये आ गया आपका 9. क्वेश्चन नंबर 29, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे दे दिया क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है. क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1/2. अब आपके सामने ये जो डेटा दिया है सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको सेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, या तो सेंडिंग या डिसेंडिंग. सेंडिंग में जाएंगे हम लोग 10, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 30, 32, 34, 38, ठीक है. एन कितना हो गया 11. क्यू वन का फॉर्मूला क्या है एन प्लस वन, कोई भी इसका एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो क्यू वन क्या हो जाएगा 11 प्लस वन
12/4 ऑब्जर्वेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 14. तो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 14. फिर हम जाएंगे Q3 पे, तो Q3 क्या हो जाएगा? 3 11+1/4. तो 12/4 वापस से 3 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9th ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9th ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? 32. सब्स्टिट्यूट कर दो क्वार्टाइल डेविएशन में. Q3 माइनस यानी कि 32 माइनस 14/2 कितना आ जाएगा? ये 18/2 9. तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया है 9. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 30. अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 30, इफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर. कितने ऑब्जर्वेशन है? 10. मैक्सिमम वैल्यू 40 है, मिनिमम वैल्यू 10 है. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है. रेंज के कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? L-R/L+R. तो L-R लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर. 40 माइनस 10 अपॉन 40 प्लस 10. 40 माइनस 10 30. 40 प्लस 10 50. तो 3/5 ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 30 इतना सिंपल है. चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े वीडियो देखो जरा अच्छे से. अ स्टूडेंट ऑब्टेन 75%, 80% एंड 85% इन थ्री सब्जेक्ट. थ्री सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दे दिए यहाँ पे. इफ द मार्क्स ऑफ अनदर सब्जेक्ट आर एडेड, एक और सब्जेक्ट इसके अंदर अगर हम ऐड करने जाए एंड फिर उसका एवरेज ले, तो देन द एवरेज के नॉट बी लेस देन, कम से कम कितना आना चाहिए? एक बात समझो, अभी एवरेज कितना आया है? 75 80 85. प्लस अपन एक और कोई ऐड कर देंगे, अपने को नहीं पता कितना है, तो नीचे एन आता है. एन कितना है? 4. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 75 प्लस 80 प्लस 65. फटाफट से कैलकुलेटर लेंगे, कितना आएगा ये? 240 प्लस x अपॉन 4. 4 से डिवाइड कर लो जरा, x को बाजू में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 240 को पहले 4 से डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 60. यानी कम से कम, मतलब x की जगह लेट से अगर 0 भी रहा तो 240 बाय 4 कितना आएगा? 60%. यानी कम से कम 60% तो एवरेज आएगा ही आएगा, वो क्योंकि अभी का ही आ रहा है ना, बस 4 से डिवाइड करना है. अगर एक और सब्जेक्ट के मार्क्स 0 भी हो जाते हैं तो 240 प्लस 0 अपॉन 4 करेंगे तो कम से कम 60% तो एवरेज आने ही वाला है उसका. ऑप्शन ए दिस इज द सॉल्यूशन. चले आगे, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया. क्वेश्चन नंबर 32, इन एनी डिस्क्रीट सीरीज व्हेन ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम, अलग अलग वैल्यूज है, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड एसडी इज नन ऑफ द अबव. ना मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वल रहता है, ना ग्रेटर रहता है, ना लेस देन रहता है, उनका रेशियो किसी और तरीके से चलता है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 33, सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे. अभी द मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यूज आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड. यार बेटा, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे जाओ या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाओ, मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन. मीडियन का डेफिनेशन ही है इधर, इतना क्लियर कट दे दिया है. क्वेश्चन नंबर 34, बस फ्यू क्वेश्चंस और फिर आपका फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा. समझ रहे हो कितना सिंपल है? अभी अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करने गए तो 2 से 3 क्वेश्चन में ही अटके होंगे आप, बाकी के क्वेश्चन में तो अटकना मुश्किल है. इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज 3:1. देखो टोटल 40 है, ग्लिसरीन है 3, ये है 1. तो 40 / 4 × 3 ये कितना आ जाएगा आपका? ग्लिसरीन 30, वाटर है 10. ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर टू इन ऑर्डर टू मेक इट 2:1. अब इनको ऑर्डर क्या करना, मतलब नया रेशियो क्या चाहिए? 2:1 चाहिए, यानी ग्लिसरीन डबल चाहिए. बराबर है, अगर ग्लिसरीन डबल चाहिए, ये अगर मैं ग्लिसरीन पकड़ूँ तो तुम्हारा वाटर कितना रहना चाहिए? 30 का हाफ, यानी कि वाटर शुड बी 15. पर यहाँ पे वाटर कितना है? 10. तो कितना ऐड होना चाहिए? 5. अगर और 5 ऐड हो गया तो ग्लिसरीन का कंटेंट कितना है? 30. वाटर का कितना है? 15. रेगुलर स्टूडेंट्स ये सब हम कर चुके ऑलरेडी. 30:15 क्या हो जाएगा? ये 2:1. अच्छा, ग्लिसरीन से कम नहीं कर सकते क्या? ग्लिसरीन से मैंने अगर हटा दिया, ये 10 है ना, तो 10 हटा दो, 2:1 हो जाएगा. नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर
अपने को ग्लिसरीन को नहीं हिलाना है, पानी को चेंज करना है, राइट। तो अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, और 5 लीटर्स ऐड करना पड़ेगा। चाहो तो इसको अपन पूरा सॉल्व करके एक्स वाले मेथड से लेके जा सकते हैं। एक्स वाला मेथड देखो ऐसा हो जाएगा, 30 ग्लिसरीन है, 10 में कितना तो भी ऐड करना पड़ेगा कि आपको रेशियो 2:1, फिर एक्स का सब वैल्यू ढूंढते बैठो। ये सब पसारा क्यों करना है, सीधे सीधा आंसर लिखो 5 लीटर्स, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 35। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, यस। बिजनेस मैनेजमेंट, यस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यस। तो स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर उसमें हम कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बोथ ना, दोनों से कंसर्न होता है उसका, बोथ ए एंड बी, प्लूरल सिंगुलर सिखा चुकी हूँ मैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, करेक्ट लग रहा है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, याद है ना, पास्ता स्टैटिस्टा, वो भी सही लग रहा है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड आपको पता है क्या है, स्टैटिस क्यू, बोलते हैं स्टैटिस्टिक ही है पर उसका लास्ट में क्यू यू ई आता है ना, तो स्टैटिस क्यू होना चाहिए था। ये जो है ना ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक है, तो कौन सा वाला गलत है, फॉल्स पूछ रहे थे ना, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38, द कलर ऑफ अ फ्लावर, कलर, क्वालिटेटिव फैक्टर मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर इज एन एट्रीब्यूट, 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो क्वालिटेटिव फैक्टर को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, क्वांटिटेटिव फैक्टर को हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 40, द मीन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन वाले चैप्टर पे गए फिर से, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 4। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, 8 into 2 16 का रूट 4। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 4, 8 इज 4, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट 10 क्वेश्चन पर देखो, जैसे ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट था, थ्योरी भी थी इसके अंदर, सो लास्ट 10 क्वेश्चन है, कंटाला मत करो, हो जाएंगे एक बार का सॉल्व, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 41, सीरीज देखेंगे 1+2+3+4, यानी कि यहाँ पे 1111 ऐड होते जा रहा है, हाँ, इज 231, देन द वैल्यू ऑफ n इज 21, आपको क्या ढूंढना है, n की वैल्यू निकालिए जब tn इज इक्वल्स टू 21, tn कितना है तुम्हारा लास्ट वाला 231, ठीक है, 231 इज इक्वल्स टू 1+1, मतलब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू d है, a प्लस n आपको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, 231 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया, बराबर ना, क्योंकि तुम्हारा a और d दोनों 1 है, 1 को यहाँ पे ले आएंगे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये एक 1 है उसको इधर ले आएंगे, 231 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 230 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 1 समझा ना कहाँ से आया है, ये लो वो ये वाला 1 है, ये है ना a वाला, वो इधर आके 230 कर रहा है, फिर n के साथ जो माइनस 1 है वो इधर आके फिर से प्लस कर रहा है, तो n का वैल्यू क्या मिल रहा है तुमको आइडियली, फिर से 231, क्या मिल रहा है 231। यहाँ पे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ n इज 21, n 21 है क्या, नहीं, द वैल्यू ऑफ n इज 231, इसीलिए ये क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, रन्स इन अ क्रिकेट मैच इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, रन्स कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं क्या, नहीं, 5.3, 5.4 रन नहीं होता, या तो 5 रन होगा या तो 6 रन होगा, तो कॉन्टिन्यूस है क्या, नहीं, सो द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन, इसको लीनियर एसोसिएशन बोलेंगे क्या हम, यस, ये इसका डेफिनेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लीनियर एसोसिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो क्या उनका इंटरसेक्शन ही उनका मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, मैंने आपको सिखाया अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इनटू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस। देखो आइडियली
अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो दिस शुड हैव बीन ट्रू. इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फॉल्स दिया है बट कॉन्सेप्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी यही लिख के दिया है बट इट शुड हैव बीन ट्रू. 44 का आंसर है ट्रू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. फाइंड द टेंथ टर्म. टेंथ टर्म ढूंढना है. 3 + 3 = 6 है, + 3 = 9 है. तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए कितना है तुम्हारा, ए 3. एन माइनस वन कौन सा टर्म ढूंढना है आपको, 10. 10 - 1 = 9. कॉमन डिफरेंस इज 3. तो 9 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 3 27 प्लस 3 30. द करेक्ट आंसर इज डी 30. क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन. ये भी इसका डेफिनेशन है, दैट इज वाई द आंसर स्टैंड्स ट्रू. 46 का आंसर है ट्रू. 47. द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन GP इज 125. तो उसका मिडल टर्म कितना हो जाएगा. 3 टर्म्स मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अगर 3 टर्म्स लेने हैं तो अपन टर्म्स क्या लेंगे, a अपॉन r, a इंटू r. अब इनका प्रोडक्ट है मतलब आपका r और r कट हो जा रहा है, यानी कि a इंटू a इंटू a क्यूब का वैल्यू 125 है. तो मिडल टर्म आपका a कितना हुआ, कौन से टर्म का, 3 raised to 3 125 होता है, 5 का. सो 47 का आंसर इज सी, दैट इज 5. कम टू क्वेश्चन नंबर 48. कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 year एट 12% कंपाउंडेड 6 monthly. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, ए फिर आगे 1 + r / 100 raised to n, राइट. अब ये कौन सा कंपाउंडिंग है क्वेश्चन में, 6 monthly है. 6 monthly है मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा आपको. अमाउंट आपको क्या है, 5000 का सम है हमारे पास कंपाउंड. सिंपल कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000. सो 5000 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 12%. 12 upon 6 monthly है ना, तो 2 × 100 करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, 2 से डिवाइड करेंगे और आपका जो रेस टू एन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो कितने साल के लिए है, 1 year के लिए. तो आप क्या करोगे, into 2 raised to 2 करोगे. चलो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से ऑन योर कैलकुलेटर्स. 12 upon 200 + 1 into = कैलकुलेटर पे लेती हूँ मैं, 12 divided by 200 + 1 एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, रेस टू 2 है ना, तो एक बार इंटू एक बार इक्वल टू. और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5000 से. तो आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, 5618. पर प्रिंसिपल कितना था, 5000. आप इसको माइनस कर दो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा 618, राइट. ग्रेट, चलो ये हो गया 618. कमिंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x + 2 मैन इन x - 2 days. मैन इन 2 days करो, कितने लोग हैं, x + 2 मैन. कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, वो x - 2 में. होल डिवाइडेड बाय टू दैट ऑफ x - 1 मैन इन x + 1 days इज इक्वल टू, रेशियो क्या बनना चाहिए वो, 4/5. या तो यहाँ पे आप क्लियर क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट. मैं यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 4 + 2 = 6, 4 - 2 = 2, 4 - 1 = 3, 4 + 1 = 5, 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15, बराबर है क्या. अब इसको और आगे क्या करोगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, मैच हो रहा है. इसकी जगह आप -4 डालो, मैच नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगी, -4 - 2 - 6 हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4, 49. अब चाहो तो इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के पूरा भी सॉल्व कर सकते हो. इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है जब हम लोग इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25. फिर से इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, कैसे निकालते हैं मीन प्रोपोर्शनल बीच का, 9 × 25.
अन्य कैलकुलेटर्स 25 इंटू 9 करो, कितना दिख रहा है 225, उसका रूट ले लो, आंसर इज 15. सो दिस वॉज योर, ये आपका था CMA फाउंडेशन का सेकेंड सीरीज का फर्स्ट पेपर. आप चैनल से ट्यून रहे और बेल आइकन प्रेस करके रखो. रीज़न ये है कि फिर हम लोग जो इतने सारे सब्जेक्ट, मैंने आपको बोला है सारे सब्जेक्ट लेकर आएंगे, इसी तरह आपको सब सॉल्व मिलेंगे, तो यू विल नेवर नो कि पेपर्स कब आ रहे हैं. तो जैसे जैसे पेपर्स हम लोग डाल रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, इनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको हेल्प हुई है वीडियो से तो उसको लाइक ज़रूर करना, दिस इज द ओनली मोटिवेशन, एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. तुमको हेल्प हो रहा है, बाकी सबको भी हेल्प होगा, राइट? स्टे ट्यून टू द चैनल, विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज, और हम फ्री कॉन्टेंट लेके आएंगे. एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. सी यू ऑल, बाय बाय.